प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है घमंडी का सिर नीचा। चंपक वन में दुलारी नाम की एक मक्खी रहती थी। अपने आसपास की सभी मक्खियों में दुलारी सबसे ज्यादा होशियार थी, पर उसे अपने होशियार होने पर बहुत घमंड था। वो खुद को चंपक वन की रानी समझती थी, क्योंकि चंपक वन की लगभग सभी मक्खियों को अपनी बातों से हरा चुकी थी। एक दिन कुछ मक्खियों ने दुलारी को सबक सिखाने की मंशा से कहा, दुलारी रानी, तुम बहुत होशियार हो, ये हम सब तो जानते हैं, पर चंपक वन में एक शेर भी रहता है जिसे सभी जंगल का राजा मानते हैं। अगर तुम उसे हरा दो तो जंगल के सभी प्राणी ये मान लेंगे कि तुम ही इस जंगल की असली रानी हो। पर याद रखना, गुस्सा उस शेर की नाक पर रहता है। देख लूंगी, दुलारी ने इतरा के जवाब दिया। दुलारी को मक्खियों की ये बात तो समझ में आ गई थी कि उस बड़े शेर को हराना जरूरी है, तभी वो पूरी तरह से इस जंगल की रानी बन सकती है। इधर उधर से शेर का पता पूछती हुई दुलारी मक्खी शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर अपना खाना पीना खत्म करके थोड़ा सुस्ता रहा था। दुलारी सीधे जाकर शेर की नाक पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, पहचाना मुझे, मैं हूं दुलारी, इस जंगल की रानी। शेर ने मक्खी से कहा, देखो मक्खी, अभी मेरे सोने का समय हो गया है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा बाद में दे दिया जाएगा। शेर की बात सुनकर दुलारी गुस्से में बोली, दे दिया जाएगा? शायद तुमने सुना नहीं, मैं इस जंगल की रानी हूं, मेरी बुद्धि के आगे ना कोई आज तक टिका है और ना ही आगे टिक पाएगा। अपना भला चाहते हो तो फौरन ये गुफा मेरे लिए खाली कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझे? यूं तो शेर समझ नहीं पा रहा था कि मक्खी क्या कह रही है, पर शेर तो शेर ठहरा, सदियों से जंगल का राजा, एक मक्खी की चुनौती को कैसे बर्दाश्त करता। ठीक है, हो जाए मुकाबला, मैं भी तो देखूं मुझ जैसे ताकतवर राजा का तुम कैसे मुकाबला करोगी। मक्खी ने जवाब में कहा, मुकाबला? मेरा तुम जैसे छोटे जानवर से क्या मुकाबला। चलो तुम्हारे लिए इतना करते हैं कि तुम बस मुझे पकड़ लो, अगर तुम मुझे पकड़ने में कामयाब हो गए तो तुम ही राजा हो, और अगर ना पकड़ पाए तो दुलारी मक्खी की जय बोलते हुए सीधा कहीं और निकल जाना। शेर मक्खी की लंबी चौड़ी बातें सुनकर और भी गुस्से में आ गया, और इसी गुस्से के बीच मुकाबला शुरू हो गया। शेर ने मक्खी को पकड़ने के लिए जैसे ही अपनी नाक पर अपना हाथ अपना पंजा मारा, वैसे ही मक्खी तो उड़कर उसके माथे पर बैठ गई, लेकिन अपने ही तेज नाखूनों से शेर ने खुद को घायल कर लिया। काफी देर तक यही खेल चलता रहा, कभी माथे पर, कभी कान पर, कभी आंख पर, हर जगह बैठकर मक्खी उड़ जाती और शेर लहूलुहान हो जाता। यहीं तक होता तो शेर फिर भी सह लेता, अब की बार तो दुष्ट मक्खी शेर की पूंछ पर बैठ गई और उसे पूंछ से उड़ाने के लिए शेर इतनी बार गोल गोल घूमा कि बेचारा चक्कर खाकर बेहोश हो गया। शेर का ये हाल करने के बाद मक्खी शान से उसकी नाक पर दोबारा आ बैठी और पूछने लगी, क्यों अपनी नई रानी की जय जयकार नहीं करोगे? शेर अब समझ गया था, अपने गुस्से की वजह से वो एक मक्खी से हार गया। अगर वो थोड़ा शांति से काम लेता तो आज उसकी ये दशा ना होती, पर चलो जब जागो तभी सवेरा। शेर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मक्खी से कहा, मैंने मान लिया मक्खी रानी, आप ही जंगल की रानी हो, अब आप एक काम करिए, जंगल में थोड़ा घूम आइए, जिससे बाकी जानवर भी अपनी नई रानी के दर्शन कर सकें, तब तक मैं आपके लिए गुफा साफ कर देता हूं। मक्खी को यह बात बहुत पसंद आई और वो जंगल में घूमने निकल गई। अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि सामने से एक हाथी चला आ रहा था। मक्खी ने हाथी से अकड़कर कहा, ए हाथी,
तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं दुलारी मक्खी, इस जंगल की रानी। हाथी ने सोचा, शायद ये मक्खी अपने आपे में नहीं है, इसकी बेवकूफी का क्या जवाब देना। हाथी को कुछ ना कहता देख मक्खी गुस्से में आ गई और कहने लगी, अगर मेरी बात का विश्वास नहीं तो जाकर उस शेर की हालत देख जिसे मैंने घायल किया है। हाथी अब पूरा किस्सा समझ गया। उसने सोचा, इस दुष्ट मक्खी से जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ाना ही बेहतर है। इसलिए उसने अपनी सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और अपने रास्ते निकल गया। जंगल के दो दिग्गजों, सबसे बलशाली प्राणियों से हार मनवाकर अब मक्खी का घमंड सातवें आसमान पर था। वहीं पास में एक लोमड़ी दुलारी मक्खी की मनमानी देख रही थी। हाथी के जाते ही तुरंत मक्खी के सामने पहुंची और जोर से बोली, दुलारी मक्खी रानी की जय हो। रानी साहिबा, आप ही इस जंगल की रानी बनने लायक हैं। आपकी जैसी बुद्धि होशियारी तो किसी के पास नहीं। आप कितनी चतुर हैं रानी साहिबा। ये सुनते ही मक्खी के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इतनी मेहनत यही सब सुनने के लिए ही तो की थी। पर खुद को काबू में रखकर बोली, ऐसे ही थोड़ा बहुत। लेकिन लोमड़ी घंटों मक्खी की तारीफ करती रही। जब उसे यकीन हो गया कि अब मक्खी उसकी कही हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेगी, तो थोड़ा दुखी आवाज में बोली, पूरा जंगल ये मानता है कि आप ही जंगल की रानी हो, मगर पास में ही दो पेड़ों के बीच में एक मकड़ी है जिसने आपको रानी मानने से इनकार कर दिया है, और तो और आपके लिए बहुत बुरा भला कह रही थी। उसने कहा है कि अगर इस मक्खी में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करे, नहीं तो चुपचाप अपने घर चली जाए। ये सब बातें सुनकर दुलारी मक्खी से रहा ना गया। बिना कुछ सोचे समझे सीधे मकड़ी को सबक सिखाने उड़ चली। उधर मकड़ी अपना जाल बुनने में मग्न थी। दुलारी गुस्से में तेजी से उड़ते उड़ते एक झटके से मकड़ी के जाल में फंस गई। दुलारी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसते ही लोमड़ी की सारी चालाकी समझ में आ गई। जाल में फंसे अपने शिकार से मिलने मकड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मकड़ी के हर बढ़ते कदम पर दुलारी मक्खी का डर और सांसें दोनों बढ़ रही थी। मकड़ी के पास आते ही दुलारी मक्खी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मकड़ी बहन, मुझे माफ कर दो, मेरे घमंड के कारण ही आज मैं यहां आ फंसी हूं। मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा है, मेरी बहन मुझे जाने दो। दुलारी की बातें सुनकर मकड़ी ने कहा, आज तुम मेरे जाल में फंस गई हो इसलिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो, और उनका क्या, तुमने जिनका अपनी बातों से दिल दुखाया होगा। दुलारी मक्खी तुरंत हाथ जोड़कर बोली, अरे मकड़ी बहन, जिन जिन का भी मैंने दिल दुखाया है मैं सभी से माफी मांग लूंगी, बस मुझे जाने दो। दुलारी मक्खी को इस तरह मिन्नत करते देख मकड़ी बोली, मक्खी रानी, खुद को होशियार समझना अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरों को बेवकूफ समझें। तुमने अपने अलावा सबको मूर्ख समझा है, इसलिए आज यहां हो। मकड़ी की बात सुनकर दुलारी मक्खी दुखी होकर कहने लगी, मकड़ी बहन, मेरा तुमसे ये वादा है, आज के बाद मैं कभी किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी और जितनी हो सके उतनी सबकी मदद करूंगी। मकड़ी को अब मक्खी की बातों पर विश्वास हो गया था। उसने प्यार से मक्खी से कहा, मक्खी बहन, वैसे तो मैं अपने जाल में फंसे किसी भी शिकार को नहीं छोड़ती, पर तुम्हारा पछतावा सच्चा है और मेरा पेट भी भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं। जाओ और अपने वादे को पूरी तरह से निभाओ। तो देखा बच्चों, गुस्सा और घमंड शक्ति और बुद्धि दोनों को खत्म कर देता है। इसलिए जितना हो सके उतना हमें इन दोनों से दूर रहना चाहिए। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।